हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और सीसेट पेपर 2 की एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ पजल्स। पजल्स एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सभी को पता है पजल्स इंपॉर्टेंट है। अब पजल्स एग्जाम में किस तरह की आती है, अलग अलग तरह की पजल्स एग्जाम में पूछी जाती है, तो कुछ टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अगेन मैं आप लोगों के साथ में पजल्स डिस्कस करूंगी। पजल का मेन ये है कि हाँ जी, उस पजल को हमने सॉल्व कैसे करना है। कोई भी पजल जब आप करते हो तो उसका इसमें बात आती है कि हाँ जी उसको सॉल्व कैसे करना है, क्या हमने मेथड यूज करना है पजल को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आज हम कुछ टाइप की पजल्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे सभी। हाँ जी, जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे। तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। देखिए, फर्स्ट पजल है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। यस, दिस इज द पजल। एक बात का ध्यान रखो कि जब भी आप कोई भी पजल सॉल्व करते हो तो कैसे करना है, क्या करते हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करेंगे कि वो पहले पूरी की पूरी पजल को रीड करेंगे, ठीक है, पूरी पजल को रीड करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ जो भी पर्टिकुलर पॉइंट उनको सेट करेंगे, फिर दोबारा से पूरी पजल को रीड करेंगे, फिर कोई पॉइंट देखेंगे, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस पजल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक बार पजल का हल्का सा ओवरव्यू लेके उसके बाद में, हाँ जी, जैसे अभी यही पजल है, फर्स्ट पैराग्राफ से हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप की पजल है, ठीक है। हाँ जी, बॉक्स पजल है, फ्लोर पजल है, शेड्यूलिंग पजल है, किस तरह की पजल है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब उसी के बाद में जब उस पजल को आप सॉल्व करते हो तो उस केस के अंदर जो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आपने साथ साथ में नोट डाउन करते चलना है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, सो दैट कि उस पूरे पैराग्राफ को आपको बार बार ना रीड करना पड़े, क्योंकि जो अगर हम बार बार रीड करेंगे तो हमारा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, है ना। तो हमने बार बार नहीं रीड करना, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाती है उसको हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे डाटा के जो टेबल बनती है उसके अंदर फिट होती है उसको हम साथ साथ में फिट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और जो इन्फॉर्मेशन नहीं सेट आ रही उसको हम साइड में लिख लेंगे, सो दैट कि हाँ जी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ जब वो इन्फॉर्मेशन मैच होती है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकें। ओके, यही स्ट्रेटेजी हमने यूज़ करनी है पजल को सोल्व करने में। एक बात याद रखो कि पजल्स एक इजी पार्ट आता है आपके एग्जाम का। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि हाँ जी पजल डिफिकल्ट होती है, बट अगर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद में पजल वाला पार्ट इजी होता है। क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में अगर पजल आती है तो उस केस के अंदर होता क्या है कि एक पजल के ऊपर आपके 3 से 4 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मींस कि अगर आपने एक बार पजल बना ली उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसका तो आप टिक टिक करके आंसर कर दोगे, कितना टाइम लगना उसमें, तो उसमें तो कोई टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो ये जो थोड़ा सा टाइम लगता है वो ये लगाओ कि हाँ जी आपके जो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, इवन 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस के लिए वो टाइम लग रहा है, उसके बाद में तो आपका टाइम लगना ही नहीं है। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक पजल है, क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड आई, ए बी सी डी ई एफ नहीं है, जी एंड आई आर 7 फ्रेंड्स है हु स्टडी इन 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। अब ध्यान रखो ये एक स्पेशल टाइप है आपकी पजल्स की जिसके अंदर 7 पर्सन होते हैं और 3 अदर वेरिएबल के गिवन होते हैं, एक अलग से एक वेरिएबल गिवन होता है जिसके अंदर सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है ना, मीन 7-3 का कॉम्बिनेशन होता है ये, और ये एग्जाम में आती है बार बार, ठीक है। तो जब भी इस तरह की पजल करो तो ध्यान रखो कि जो ये 3 है ना इसको माइंड में रख के चलना, ये 7 है ये 3 है, दैट मीन्स कि किस तरह से बनेगा। अब आप यहाँ पे क्या गिवन है कि स्टडी इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, नेमली 5th, 6th, 7th, इस तरह से ये भी आ सकता है कि हाँ जी दे लाइक डिफरेंट कार्स, उसके अंदर 3 आ सकते हैं, या दे आर गोइंग समवेयर एंड दीज आर द चॉइसेस, कुछ भी चॉइस हो सकती है उनकी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में ये जो है जो सेकेंड वेरिएबल आ रहा है उस सेकेंड वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ कंटेंट्स होंगे 3, ठीक है, और जो फर्स्ट वेरिएबल है उसमें टोटल पर्सन होंगे 7, ये हो सकता है, और जो थर्ड वेरिएबल गिवन होगा उसके अंदर भी 7 होंगे। तो ये वो वाले टाइप में आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी इस तरह की टाइप आपकी आती है एग्जाम के अंदर तो ध्यान रखो कि 7 है, 7 को 3 के अंदर, दैट मीन्स कि ऐसा होगा कि 2 जो है उसके अंदर क्या आएंगे, 2-2 का पेयर बनेगा और 1 के अंदर 3 का पेयर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे भी देखो क्या कह रहा है, 5th, 6th and 7th स्टैंडर्ड नॉट लेस देन 2 फ्रेंड स्टडी इन द सेम स्टैंडर्ड, ईच फ्रेंड ऑल्सो हैज ए डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट, नेमली हिस्ट्री, स्विक्स, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब देखो मैंने कहा था ना एक और वेरिएबल होगा गिवन आपके पास में और उसके अंदर क्या है
के आपको पूरे के पूरे 7 थिंग्स मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो यही हो रहा है। तो जब भी इस तरह की पजल आती है तो उसको सोल्व करने के लिए हमने क्या मेथड यूज करना है कि जो आपके पास में एक वेरिएबल गिवन होगा जिसमें 3 कंटेंट्स गिवन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, क्लासेस गिवन है, उनके स्टैंडर्ड्स गिवन है, क्या है, 5th, 6th एंड देखो यहाँ पे, तो आपने इस तरह से बना लेना 5th, 6th एंड 7th। ओके, मींस जो 3 वाला है पार्ट पहले हमने सबसे पहले उसको लिख लेना है। ओके, अब उसके बाद में हमने इंफॉर्मेशन को पुट करना है। देखो क्या, ए लाइक्स मैथ एंड स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड। ए लाइक्स मैथ्स एंड स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड। देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी मैंने उसके साथ में लिख दी, 5th लिखा था 5th के अंदर लिख दिया। अब हमें पता है इस 5th के अंदर 1 या 2 पर्सन और होंगे, ठीक है। आगे रीड करते हैं, आगे क्या कह रहा है, विद ओनली वन ऑफ अदर फ्रेंड हु लाइक मराठी। मीन्स यहाँ पे उसका एक और फ्रेंड है। एक बात और ध्यान रखो, जो ओनली है यहाँ पे यूज हो रहा है, ये एक अच्छा कीवर्ड है, एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारी पजल को एक प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ जी कैसे पजल बनेगी, ठीक है। अगर हम इसको स्किप कर देते हैं दैट मीन्स कि पूरी पजल खराब हो जाएगी आपकी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये कीवर्ड है जो कि वेरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कह रहा है कि विद ओनली वन अदर फ्रेंड, सिर्फ एक उसका फ्रेंड है जिसको क्या पसंद है, मराठी पसंद है, ठीक है। ओके, इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब यहाँ पे दैट मीन्स कि ये जो है 5th वाली लाइन, इसमें कोई और नहीं आएगा, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 होंगे, ठीक है। आगे देखो क्या गिवन है, आई स्टडी विद 2 अदर फ्रेंड्स, दैट मीन्स कि आई के साथ में 2 और हैं, 2 और हैं। मैंने बताया ना कि जो 2 स्टैंडर्ड्स हैं आपके, उसके अंदर तो आपके 2-2 पर्सन होंगे, और जो 3rd होगा उसके अंदर क्या होंगे, 3 होंगे। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि किस में, ये हमने देखना है। कह रहा है कि आई स्टडी विद अदर 2 फ्रेंड्स, बोथ ऑफ द फ्रेंड्स हु स्टडी विद आई लाइक लैंग्वेजेस, जो आई के साथ में जो स्टडी करते हैं, दे लाइक लैंग्वेजेस, एंड लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। ओके, डी स्टडी, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आई स्टडी विद 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स, 5th में तो हो नहीं सकता, या तो 6th में होगा या फिर 7th में होगा। अभी हमने इसको नहीं मेंशन करना है, सिर्फ हमने ध्यान रखना है क्या, इस लाइन को हमने क्या किया कि भाई जो आई है, आई के साथ में 2 लोग और हैं जिसको क्या है, लैंग्वेजेस पसंद है, मराठी यहाँ पे आ गई है, एक को इंग्लिश पसंद है और एक को हिंदी पसंद है, ठीक है। हमने इसको साइड में नोट डाउन कर लिया, अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। अब आगे देखो क्या है, डी स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड विद ओनली, अगेन द कीवर्ड इज ओनली। ओके, डी स्टडीज इन 6th स्टैंडर्ड विद ओनली 1 पर्सन एंड डज नॉट लाइक स्विक्स। अब डी 6th क्लास में पढ़ता है, डी कौन सी में, 6th क्लास में। ओके, एंड ही डजंट लाइक स्विक्स, और उसके साथ में सिर्फ एक ही पर्सन है। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ना, डी स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड विद ओनली 1 पर्सन एंड डज नॉट लाइक स्विक्स, और यहाँ पे स्विक्स नहीं आ सकता, इसने ये कहा है, ठीक है। ओके, अब दैट मीन्स व्हाट, कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ये किसके लिए, 7th स्टैंडर्ड के लिए, दैट मीन्स कि आई कहाँ पे आएगा आपके पास में, यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास में हिंदी वाला पर्सन, और जो दूसरा है वो इंग्लिश वाला पर्सन। ओके, क्लियर, हाँ जी। देखो आप बिल्कुल इजीली अपना सॉल्व होता जा रहा है। आगे देखो, ई स्टडी विद ओनली 1 फ्रेंड, ई जो है वो सिर्फ एक फ्रेंड के साथ में। अब एक की अगर मैं बात करूं तो ई यहाँ पे भी आ सकता है हमारे पास में, और ई यहाँ पे भी आ सकता है, 5th में भी हो सकता है, 6th में भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ई के साथ में सिर्फ एक पर्सन है, द वन हु लाइक हिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन 5th और 6th स्टैंडर्ड। जिसको हिस्ट्री पसंद है वो 5th में भी नहीं है, 6th में भी नहीं है, दैट मीन्स किस में है, 7th में। तो यहाँ पे 7th में एक पर्सन है जिसकी हमें ये नहीं पता कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, हिस्ट्री वाला हो गया। ओके, हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर, डन। देखो यही तो लिखा हुआ था, ई स्टडीज विद ओनली 1 फ्रेंड, ई के साथ में एक ही फ्रेंड है, दैट मीन्स कि ई या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, अभी कंफर्म नहीं है अपने पास में, ठीक है। साथ में उसने कहा था, वन हु लाइक्स हिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन 5th और 6th स्टैंडर्ड, ना तो वो 5th में ना तो वो 6th में, दैट मीन्स कि ही इज इन 7th स्टैंडर्ड। ओके,
क्लियर। हाँ जी, अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि हिस्ट्री वाला सेवन्थ में है, ई डज नॉट लाइक लैंग्वेजेस, ई को लैंग्वेजेस पसंद नहीं है, ई को लैंग्वेजेस पसंद नहीं है, दैट मीन्स कि ई इसमें नहीं आ सकता, मराठी इज अ लैंग्वेज एंड उसने कहा कि ई को लैंग्वेजेस पसंद नहीं है, दैट मीन्स कि ई कहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा। ओके, ये अब हमारा कन्फर्म हो गया कि ई कहाँ पे आएगा। अब उसके बाद देखो क्या है, सी डज नॉट लाइक इंग्लिश, सी को इंग्लिश पसंद नहीं है, सी को इंग्लिश पसंद नहीं है, हिंदी पसंद नहीं है, स्विक्स पसंद नहीं है, सी को इंग्लिश हिंदी और स्विक्स पसंद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एक तरह से यहाँ पे देखिए, इसको भी स्विक्स पसंद नहीं है, ई को भी हिंदी इंग्लिश और स्विक्स पसंद नहीं है, दैट मीन्स कि ई को क्या पसंद है, ई कहाँ पे आ जाएगा आपके लिए, ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ई डज नॉट लाइक लैंग्वेजेस, सॉरी ई डज नॉट लाइक लैंग्वेजेस लिखा है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ई स्टडी विद ओनली वन फ्रेंड, द वन हु लाइक्स हिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड, ई डज नॉट लाइक लैंग्वेजेस, ई यहाँ पे आ गया, सी डज नॉट लाइक इंग्लिश हिंदी और स्विक्स, सी को नहीं पसंद है, ठीक है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन आ जाएगा आपके पास में, सी आ जाएगा। ओके, सी, उसके बाद में अब देखो, इसको स्विक्स पसंद नहीं है, डी को स्विक्स पसंद नहीं है, दैट मीन्स कि स्विक्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, डन, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में स्विक्स। अब देखो क्या रह गया, एक सब्जेक्ट रह गया आपके पास में, वो किसके लिए आ जाएगा, डी के लिए आ जाएगा, मैथ्स हो गया, मराठी हो गया, स्विक्स हो गया, ठीक है। हाँ जी, क्या रह गया, इकोनॉमिक्स रह गया आपका, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब सब्जेक्ट्स तो हो गए, बट अब यहाँ पे दो पर्सन है, दो पर्सन है, कौन, बी और जी। अब बी और जी कहाँ पे आएंगे, अब बी और जी के लिए अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, दैट मीन्स कि या तो बी यहाँ पे आएगा, ठीक है, या तो बी यहाँ पे आएगा, अगर बी यहाँ पे आएगा दैट मीन्स कि जी यहाँ पे आ गया, अगर जी यहाँ पे आएगा तो बी वहां पे आ गया, डन, बन गई पजल, सिंपल था, बताओ कोई डाउट इसके अंदर, हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, तो ध्यान रखो जब भी इस तरह की पजल आती है जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर दो या तीन पर्सन लाई कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर उसको आप एक बार रखो साइड में, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पजल को बनाना शुरू करो, मेथड इज क्लियर। अभी इसी के क्वेश्चंस करते हैं हम, देखो बिल्कुल क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन अभी देखो यही बनी है अपनी पजल, वही मैंने आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आगे कर दिया, क्या है, ए सी डी ई आई बी जी, ए सी डी ई आई बी जी, ओके सेम। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट ईज फेवरेट सब्जेक्ट, ई का फेवरेट सब्जेक्ट इन विच ही स्टडीज, ई का फेवरेट सब्जेक्ट बताइए कौन सा, क्या है, स्विक्स, ओके, सो आंसर विल बी स्विक्स एंड ही इज इन सिक्स स्टैंडर्ड, स्विक्स सिक्स स्टैंडर्ड, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईज फेवरेट सब्जेक्ट, आई का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, हिस्ट्री, ओके, सो आंसर विल बी हिस्ट्री, हिस्ट्री कहाँ पे है, ये है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हु अमंग अस द फॉलोइंग स्टडी इन द सेवंथ स्टैंडर्ड, सेवंथ स्टैंडर्ड में कौन स्टडी कर रहे हैं, तो सेवंथ में आप देख रहे हो कौन है, आई है और बी जी है, ठीक है, आई बी एंड जी दे आर इन सेवंथ स्टैंडर्ड, ओके, एंड इन ऑप्शन देर इज जी सी ई डी एंड डी और बी, ठीक है। अब इसमें से अगर तीनों में से अगर मैं बात करूँ तो कौन है, जी, ठीक है, अगर यहाँ पे तीनों गिवन होते तो आप तीनों को सेलेक्ट कर लेते, बट यहाँ पे एक पर्सन गिवन है तो आपने एक को सेलेक्ट कर लेना, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट कौन सा है, आई एंड हिंदी, आई, आई का आप देख रहे हो क्या हिस्ट्री है, दैट मीन्स कि ये तो रॉन्ग हो गया, ओके, जी एंड इंग्लिश, जी 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 कहाँ पे आपका ये है, अब जी का तो हमें पता ही नहीं है कि जी का इंग्लिश भी हो सकता है और जी का हिंदी भी हो सकता है, ठीक है, दैट मीन्स कि जी का हमें कंफर्म नहीं है। यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया गया डेफिनेटली, अगर यहाँ पे होता कैन बी, है ना, कैन बी या पॉसिबिलिटी, इस तरह का वर्ड अगर यूज किया जाता है इन दैट केस आप इसको सेलेक्ट कर सकते थे, बट अभी यहाँ पे क्या कहा है, डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, ओके। देन सी एंड मराठी, सी मराठी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके, तो क्या आ जाएगा, सी एंड मराठी,
डन। हाँ जी, बी एंड हिंदी इज अगेन रॉन्ग, सो आंसर क्या आ जाएगा? सी मराठी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज जी लाइक, जी को कौन सा पसंद है? यहाँ पे आप देख सकते हो जी का हमें नहीं पता, या तो हिंदी हो सकता है जी के लिए या फिर इंग्लिश हो सकता है। ओके, दो ही सब्जेक्ट जी के लिए, तो यहाँ पे आएगा इधर हिंदी और इंग्लिश, तो ये ऑप्शन है आपके पास में सेकंड, इधर हिंदी और इंग्लिश। ओके यस, उससे पहले हाँ जी नेक्स्ट पजल करते हैं। नेक्स्ट पजल अगेन इंपॉर्टेंट है, उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, आपको अगर सी सेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और सी सेट का भी एग्जाम पास में अक्टूबर में एग्जाम है, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये देखिए कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हाँ जी मैडम, अगर मान लो क्वांट में ही दिक्कत आ रही है फिर क्या करें, पूरे का पूरा लेना है तो ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द सी सेट एग्जाम। यस, दिस इज अ कम्प्लीट कोर्स, यू कैन टेक द कम्प्लीट कोर्स। ओके, उसके अलावा क्या है आपके पास में? हाँ जी, फ्री वार्म अप कोर्स अवेलेबल है, ये आपका एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज जो अभी चल रही है, ठीक है, दिस इज टोटली फ्री। एंड इसके अंदर हम अभी आपको 20 लेक्चर्स हैं और बढ़ा देंगे, ठीक है, डे बाई डे लेक्चर्स ऐड होते चले जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर मान लो आपको क्वांट में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया, टेंथ के बाद उन्होंने मैथ किया ही नहीं है और इस बार वो फर्स्ट अटैम्प्ट है उनका, और वो चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमारा हो जाए। ऑब्वियसली होता है काफ़ी लोगों का एग्जाम ना क्वालिफाई, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो कर लेते हैं, ठीक है, तो अब उनको काफ़ी टाइम हो गया है, मैथ से इन टच नहीं है, तो इन दैट केस दे कैन टेक मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है ना, सी सेट के लिए। तो इसके अंदर 80 लेक्चर्स हैं एंड विद ईच लेक्चर देर इज PDF एंड टेस्ट अटैच्ड। ओके, उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, इफ़ यू आर गेटिंग फेसिंग सम प्रॉब्लम इन लॉजिकल रीजनिंग, इन दैट केस यू कैन टेक लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। इंग्लिश, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, इसके अंदर 6 लेक्चर्स हैं जिसके अंदर आपको इन्फ्रेंसेस वगैरह जो भी है वो सारा इन्फ्रेंस कंक्लूजन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर करवाए जाएंगे। इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर की सीरीज है, प्रीवियस ईयर की सीरीज के अंदर इसके अंदर 6 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर्स पूरे सोल्व करवाए गए विद टॉपिक वाइज। ओके, एंड अगेन विद ईच लेक्चर देयर इज ए PDF एंड टेस्ट अवेलेबल। ओके, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। अब इसका जो लिंक है दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, और अभिपीडिया की साइट abhipedia.abhimanyu, उसको आप एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, दैट इज ए ट्रेजर फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट पजल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पजल अगेन इंपॉर्टेंट है, क्या है? 6 फ्रेंड्स LMNOPQ, देर आर टोटल 6 पर्सन वर्किंग इन 3 डिफरेंट सिटीज, अगेन देर आर टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर 6 एंड सिटी कितने हैं? 3 है, ठीक है, दैट मीन्स कि एक सिटी के अंदर 2 पर्सन। ओके, नेमली चेन्नई, पुणे एंड नासिक, नॉट मोर देन 2 इन ए सिंगल सिटी, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट प्रोफेशन, बैंकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, लेक्चरर, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी पजल किस तरह की है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग एक टेबल बनानी है और उसके अंदर डाटा पुट करते हुए चलना है, जो जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन उसको हम पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब बात जब भी कोई भी आप पजल करते हो ना, तो मेन होता है कि हम उसको स्टार्ट कैसे करें। अगर हमने पजल को स्टार्ट सही किया है ना, तो पजल बन जाएगी इजीली, अगर हमने स्टार्टिंग से ही गलत पकड़ा है उसको, तो फिर नहीं बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको बताया जब भी इस तरह से आता है ना, तो यहाँ से पकड़ो, आप क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट सिटीज, सिटीज को ले लो आप स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या क्या सिटीज हैं आपके पास में? दिस इज चेन्नई, यस पुणे, एंड देन नासिक। ओके, नाउ गिवन दैट ओ वर्क्स इन चेन्नई एंड इज नॉट ए लेक्चरर, ओ वर्क्स इन चेन्नई, ओ आ गया एंड ही इज नॉट लेक्चरर, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, डन। क्रॉस क्यों किया? कि हमें पता चल जाएगा भाई यहां पे लेक्चरर नहीं आएगा। ओके, एम इज बैंकर बाय प्रोफेशन एंड वर्क्स इन पुणे, एम इज बैंकर बाय प्रोफेशन एंड इन पुणे, हमने पुणे के अंदर इसको फिट कर दिया। ओके, अब आगे देखो क्या, विद ओनली क्यू, किसके साथ में है क्यू, हु इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओके, क्लियर, अब देखो आगे क्या, एन वर्क्स इन नासिक, एन वर्क्स इन नासिक एंड इज नॉट लॉयर, और ये लॉयर नहीं है।
ओके थोड़ा साफ सा लिख देते, यस डन। लॉयर नहीं है, नहीं है दैट मींस कि उसको क्रॉस कर लो साइड में कि हाँ जी ये नहीं आ सकता यहाँ पे किसी भी हाल में, ठीक है। आगे देखो क्या गिवन है, हाँ जी पी इज ए डॉक्टर एंड डज नॉट वर्क इन चेन्नई। अब जो पी है वो क्या है, डॉक्टर, और वो चेन्नई में नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो पी कहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पे आ सकता है क्योंकि इसमें तो सिर्फ दो ही पर्सन आएंगे पुणे के अंदर, और जो कि दोनों के दोनों फिट हो चुके हैं यहाँ पे कि हाँ जी मैंने दोनों के दोनों प्लेस कर दिया यहाँ पे। अब क्या रह गया, या तो चेन्नई या तो नासिक, और यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि पी डॉक्टर है और वो चेन्नई में वर्क नहीं करता, दैट मीन्स कि ही इज वर्किंग इन नासिक, ठीक है। तो पी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या लिखा है उसने कि ही इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि उसका प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर है। डन, आगे देखें, द ओनली अदर पर्सन हु वर्क्स इन चेन्नई, अदर पर्सन इन चेन्नई मतलब कि जो दूसरा बंदा है चेन्नई के अंदर, ठीक है ना, इज लेक्चरर बाय प्रोफेशन, वो क्या है, लेक्चरर है, ये लेक्चरर है। अब देखो रह कौन गया, अब यहाँ पे हमारा कौन कौन आ गया है, एल आ गया, यस देखो एल नहीं आया, एम एन ओ पी क्या सारे आ गए, एल रह गया, एल को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, एल को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आते हैं प्रोफेशन की, दो लोगों के प्रोफेशन की बात आ रही है, लेक्चरर तो यहाँ पे आ ही चुका है, दैट मींस कि इसका तो अभी कोई कंसेप्ट रह ही नहीं गया, लेक्चरर हम यहाँ पे प्लेस कर चुके हैं। अब आ गया लॉयर, दो पर्सन रह गया, कौन कौन, एक है लॉयर और दूसरा कौन है, हाँ जी वन इज लॉयर एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, हाँ जी बताइए, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे लॉयर आ नहीं सकता, दैट मीन्स कि लॉयर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे लॉयर आएगा दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन आ गया, साइकोलॉजिस्ट आ गया, ठीक है, हाँ जी साइकोलॉजिस्ट, डन, बन गई पजल आपकी, बिल्कुल क्लियर है, बताओ देखो कितनी आसानी से बन गई है ये, हाँ जी देखिए कितनी आसानी से पजल आपकी सॉल्व हो गई है, हाँ जी देखिए पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है, अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, सेम पजल आपकी यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में मैंने जो भी सॉल्यूशन है उसको प्रोवाइड किया, सो दैट कि हाँ जी हम डायरेक्टली आंसर कर सकें। तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एल, एल की अगर हम बात करें तो एल कहाँ पे है, एल ये है, एल इज ए लेक्चरर एंड इन चेन्नई। अब यहाँ पे देखो एल इज ए लेक्चरर बाई प्रोफेशन, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ओके। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, विच टू पीपल वर्क इन नासिक, नासिक में दो लोग कौन कौन काम कर रहे हैं, तो नासिक हम अगर यहाँ पे देखें तो नासिक देखिए कौन है, एक एन है और एक पी है, तो यहाँ पे देखो क्या है, एन एंड पी, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन प्लेस एंड प्रोफेशन इज करेक्ट, फर्स्ट देखो क्यों नासिक, हाँ जी अब यहाँ पे देखो क्यों तो नासिक में नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, पी पुणे डॉक्टर, हाँ जी आप देखो पी पी कहाँ पे है, पी तो नासिक के अंदर है, दैट मीन्स कि ही इज अगेन, दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। अगला क्या है, एन चेन्नई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ जी एन देखो कहाँ पे है, एन साइकोलॉजिस्ट है और वो क्या है, नासिक के अंदर है, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट मीन्स कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट, ओके यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन ऑफ एन, एन का ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पे देखो एन क्या है, साइकोलिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में ऑप्शन बी, ओके यस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन अमंग द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो लॉयर कौन है, तो लॉयर हमने देखा कौन है, ओ है, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओ इज लॉयर, ओके यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पजल है, हाँ जी नेक्स्ट पजल है, नेक्स्ट पजल देखते क्या है, कह रहे ऑडिशन फॉर ए शो वर हेल्ड इन 7 डिफरेंट सिटीज इन इंडिया, चेन्नई बेंगलोर कोचिन मुंबई दिल्ली भोपाल एंड कोलकाता इन नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ ईयर, हाँ जी जब भी अब इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि आपके पास में गिवन है मंथ्स गिवन है, ठीक है फ्लोर गिवन है, ठीक है डेज गिवन है, वीक डेज गिवन है, मीन्स कि सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल है, ध्यान रखो कि जब भी हमारे पास में इस तरह की कोई भी पजल आ जाती है जिसके अंदर मेरे पास सीक्वेंस अवेलेबल है तो हमने पजल कहाँ से स्टार्ट करनी है, उस सीक्वेंस से स्टार्ट करनी है, ठीक है। मेन मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हाँ जी पजल स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर सही स्टार्टअप होगा तो पजल इजीली सॉल्व हो जाएगी आपकी,
अब यहाँ पे भी ये देखो क्या कह रहे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 months ऑफ द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी एंड एंडिंग टू जुलाई, दैट मीन्स वन कि हमारे पास में यहाँ पे उसका शेड्यूल का गिवन है कि हाँ जी स्टेप बाय स्टेप पहले जनवरी आती है हमें पता है, उसके बाद फेब आएगा, उसके बाद मार्च आएगा, मीन्स कि हमें उसका जो शेड्यूलिंग है वो हमें पता है, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह की कोई पजल आती है तो जिसके अंदर मुझे पता है कि हाँ जी जिसकी सीक्वेंसिंग की जा सकती है तो वहाँ से आप पजल को शुरू करोगे, ठीक है। तो पहले जैसे ही मुझे ये मिला वहाँ से हमने पजल को स्टेप बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जैन एंड एंडिंग टू जुलाई, जनवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई, ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे थे, ऑडिशन वर हेल्ड ओनली इन वन सिटी ड्यूरिंग द मंथ, ऑडिशन इज इन ओनली 4 cities वर हेल्ड बिटवीन कोलकाता एंड कोचीन, कोलकाता एंड कोचीन के बीच में 4 ऑडिशन होंगे ये कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब 4 ऑडिशन होने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोलकाता आ जाए, उसके बाद में 4, 1, 2, 3 और 4 को छोड़ के जुलाई के अंदर क्या आ गया आपके पास में, हाँ जी यहाँ पे फिर जुलाई के अंदर क्या आ गया, कोचीन आ गया, ये हो सकता है, ठीक है। जब भी इस तरह की पजल आती है ध्यान रखो फ्लोर पजल भी ऐसे ही बनती है, इससे आपको दोनों टाइप्स क्लियर हो जाएंगी कैसे सॉल्व करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हाँ जी मुझे अब मेरे माइंड में है कि हाँ जी यहाँ पे भी आ सकता है यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब उस केस में आपको केसेस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है, केसेस आपको बीच में बनाने पड़ेंगे कैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट कि कन्फ्यूजन ना हो आपको ईजी रहे, हाँ जी। अब देखो फर्स्ट केस के अंदर उसने क्या कहा है कि 4 ऑडिशन है कोलकाता एंड कोचीन, अब साथ में एक और लाइन उसने ऐड की है क्या कि द कोलकाता ऑडिशन वाज नॉट हेल्ड इन जून, कोलकाता वाला जून में नहीं आ सकता, दैट मींस कि यहाँ पे कोलकाता नहीं आएगा, ठीक है। अब कोलकाता यहाँ पे नहीं आएगा इसको हमने ध्यान रखना है। अब देखो बनाओ आप, अगर मान लो मैं कोलकाता को यहाँ पे प्लेस करती हूँ, ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, इनिशियल्स यूज कर रही हूँ सिर्फ, तो 4 आएंगे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, कोचीन आ जाएगा, हाँ जी क्या आ गया, कोचीन आ गया। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, लेकिन थोड़ा सा साफ लिख देते सो दैट कि ना दोबारा से आपको प्रॉब्लम ना आए कि यहाँ पे क्या लिखा था हमने, ठीक है, फर्स्ट ही हो गया। दूसरा क्या था कि हाँ जी अगर हम रिवर्स करते तो उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई जून में नहीं हो सकता कोलकाता का, दैट मीन्स कि इसका रिवर्स नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट एक और भी बनता है क्या कि अगर मैं यहाँ पे कोलकाता ले लेती हूँ तो यहाँ पे 4 बन गए, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, कोचीन आ गया, डन। अब देखो अब इसका तो रिवर्स भी पॉसिबल है ना, इसका तो रिवर्स भी पॉसिबल है, तो उसको भी साथ में लेके चलेंगे। अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कोचीन, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे आप क्या लोगे, कोलकाता, डन। अब ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये मैं लिख रही हूँ आपको समझा रही, साथ साथ टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करोगे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना आप लोगों का, और यहाँ पे जो जो भी केस कैंसिल होगा साथ साथ आप कैंसिल करते चलोगे, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा बन गए तो उसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा, बल्कि आपकी पजल बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी और कम टाइम के अंदर बनेगी, ठीक है। अब देखो कैसे, अब अगला देखो क्या, ओनली 1 ऑडिशन वॉज हेल्ड बिटवीन कोलकाता एंड बैंगलोर, कोलकाता और बैंगलोर के बीच में एक, ये कोलकाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, बैंगलोर, ये कोलकाता है बैंगलोर, ओके, यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंगलोर, ओके। नेक्स्ट क्या गिवन है, द चेन्नई ऑडिशन वाज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर कोलकाता, कोलकाता के बाद में चेन्नई का आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोलकाता हमने यहाँ पे ले लिया, तो अगर यहाँ पे कोलकाता है दैट मीन्स वट कि इसके बाद में कह रहा है चेन्नई का आएगा, तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स कि ये वाला केस कैंसिल आउट हो गया, सिंपल। अब ये इसने कहा है कि कोलकाता के बाद में है क्या, चेन्नई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ गया आपके पास में चेन्नई, डन, हाँ जी। द चेन्नई ऑडिशन वाज हेड इमीडिएटली आफ्टर कोलकाता हो गया, द
दिल्ली ऑडिशन वाज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर भोपाल, भोपाल से पहले दिल्ली। दैट मींस कि जहां पे अपने पास में दो स्पेस बचेंगे ना वहां पे आप इसको लगाओगे। क्या लिखा है यहां पे? हाँ जी सिंपल, बिफोर भोपाल। दिल्ली ऑडिशन हेल्ड इमीडिएटली बिफोर भोपाल, भोपाल से पहले दिल्ली। तो यहां पे आ सकता है भोपाल से पहले दिल्ली। ठीक है, अगर हम यहां पे लें तो भोपाल से पहले दिल्ली। डन, अब एक बच गया आपके पास में। हाँ जी एक बच गया, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है। हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट? मुंबई रह गया, मुंबई या तो यहाँ पे आ जाएगा और इस केस में मुंबई आ जाएगा यहाँ पे। अब बात यह है कि हाँ जी यहाँ पे अभी हमारी पजल सोल्व नहीं है, एक केस कैंसिल होना चाहिए। आगे देखो क्या कहा है उसने, द भोपाल ऑडिशन वाज नॉट हेल्ड इन मे, मे के अंदर भोपाल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मे है और मे के अंदर यहाँ पे भोपाल आ रहा है, दैट मीन्स कि ये कैंसिल आउट हो गया। हमारा सही जो है सीक्वेंस वो ये है। क्लियर? हाँ जी सही सीक्वेंस मिल गया आपको। क्या आएगा? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, भोपाल एंड कोचीन। डन, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। यस दिस इज योर पजल। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑडिशंस वर हेड बिटवीन मुंबई एंड चेन्नई। यस, मुंबई और चेन्नई के बीच में देखो, दिस इज मुंबई, दिस इज चेन्नई, देयर इज वन, सो आंसर इज वन। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस। क्या है? मुंबई ऑडिशन वाज हेल्ड इन जुलाई। मुंबई अंदर क्या है? यहाँ पे है मुंबई। यस, मुंबई इज इन जनवरी, रॉन्ग। दिल्ली इन अप्रैल, दिल्ली मई के अंदर है, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, कोचीन ऑडिशन हेल्ड इन बिफोर मई। कोचीन कहाँ पे? तो जुलाई के अंदर है, दैट मीन्स कि आफ्टर मई है, दिस इज अगेन रॉन्ग, सो आंसर विल बी नन इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव अलाइक इन सर्टेन वे। अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हमने देखना है कि जो सॉरी यहाँ पे आएगा थ्री आउट ऑफ फाइव, टोटल फोर है, फोर के अंदर से जो तीन है, यस दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर, ओके यस, एंड हैंस फॉर्म ए ग्रुप, देन व्हाट इज द, व्हाट डज, व्हिच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ग्रुप से कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ जी जनवरी कोलकाता, जनवरी कोलकाता, क्या रिलेशनशिप बन रहा है? ये बन रहा है, डायगनली जा रहा है, ठीक है ना। मार्च बेंगलोर, मार्च बेंगलोर, अगेन डायगनली जा रहा है। जून कोचीन, जून देन कोचीन, अगेन डायगनली जा रहा है। मई दिल्ली, मई दिल्ली साथ में, दैट मीन्स कि ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया, दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। ओके यस, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग मार्च द ऑडिशन वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। मार्च, मार्च के अंदर क्या है? चेन्नई, दैट मीन्स कि चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द ऑडिशन इन मुंबई वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मुंबई का, अब देखो मुंबई हमने देखा किसमें था, जनवरी में, सबसे लास्ट में हमने उसको प्लेस किया था, सॉरी, तो कहाँ पे आ जाएगा ये? जनवरी के अंदर। डन, यस, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी हो गए सारे के सारे। तो आज ही, आज मैंने आप लोगों के साथ में तीन पजल्स डिस्कस की है, आई होप सभी को क्लियर हो गई है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को लगता है कुछ सीखने को मिला है, कुछ पॉइंट सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो न्यू यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके हाँ जी, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पजल्स के साथ में। अभी एक और पार्ट करेंगे पजल का, जिसके अंदर और डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सोल्व करनी है। ठीक है, तो आज जो मैंने कुछ टाइप्स आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, आई होप सभी को क्लियर हो गई होंगी। ओके थैंक यू।